नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। देखिए मड़ई के पास आ गए हैं और मड़ई के अंदर देखिए पानी को छिड़कते हैं और चूल्हा साफ कर लेते हैं। अभी देखिए हमने लीपा था, देखिए मिट्टियाँ का थोड़ा सा फट रहा है, इसको साफ करेंगे अच्छे से बटोर के। छोटी वाली भैंस लो, देखिए घास काटने आए, घास काट लेते हैं थोड़ा सा। घास देखिए जो बाजरा है ना, कितना बड़ा हो गया है, इसको बड़ा अच्छे से उखाती। गर्मी है ना, इस समय घास खेतों में इतने अच्छे से मिलता नहीं, सब सूख जाता है, लेकिन देखिए कितना हरा भरा घास होती है इसका। नलके के पास देखिए समरसेबल हमने चला दिया। यहाँ पे एक बाल्टी देखिए गेहूँ लाया है, इसको भिगो के इसको आज धुलना है, तो पहले टब में पानी भरते हैं। इस गेहूँ को देखिए इसमें डालेंगे, इसमें बहुत सारा मिट्टी है ना, भिगो देखिए इससे साफ हो जाता है पानी में। मड़ई की देखिए एक बार फिर से लिपाई कर दे रहे हैं, जो मट्टी देखिए दरार फटा वो फटेगा नहीं है। यहाँ पर हमने मिट्टी और गोबर मिला के देखिए लिपाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब चल रहे हैं खेत में भिंडी तोड़ने। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा, ये बहुत बढ़िया सब्जी बनता है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए हमारे खेत में कितना भिंडी हो रखा है, एक ये है, कितना बड़ा इसको तोड़ लेते हैं। ये रहा, और अब चलते हैं आगे चलते हैं। ये रहा, ऐसे एक लाइन लगा है, काफ़ी भिंडी निकल जाता है इसमें, और आगे चलते हैं तोड़ लेते हैं। ये रहा अभी उधर भी जो भिंडी लाया था इसमें, उधर भी है, इसको लेके चलते हैं। ऐसे हमारा भिंडी जानवर खा गया था ना, तो अभी बहुत अच्छे से फरता है। जगह जगह पे देखिए भिंडी लगाया गया था ना, देखिए फरा है, इसको तोड़ लेते कितना बढ़िया। और उधर भी देखिए भिंडी लगाया, अभी तुरंत होगा ही, तैयार होगा। और चलते आगे, आगे भिंडी लगा है, थोड़ी सी तोड़ लेते हैं। देखिए ये रहा, और आगे ये रहा, लेके चलते हैं। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए देखिए अपने मड़ई के पास आ गए। यहाँ पे देखिए हमने प्याज, हरा मर्चा, लहसुन और टमाटर को ले लिया है, प्याज को छील लिया, लहसुन को भी छील लिया है। इसमें जब लहसुन पड़ते ना इस सब्जी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए हमने खेत का ताज़ा देखिए भिंडी भी ले लिया, इसको चलते नलके पर धोते हैं। धो लेंगे तो उसका पानी जो कि अच्छे से निकल जाएगा, तो भिंडी काटेंगे। और जो आज हमने गेहूँ धुला था ना, उसको भी खाद पर डाल देते हैं। दौरे में देखिए हमने गेहूं को धुल के रख दिया था, इसका पानी जिस निकल गया, इसको फैला देते हैं, अब सूख जाए। भिंडी देखिए लेके नलके के पास आ गए। बाऊ चलाओ हैंडपम्प, चला चलो चलो धो। भिंडी को धोते हैं साफ पानी से। कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं तड़का लगाने के लिए। इसमें देखिए ये सब जो है ना, इसका बीज हो रहा है, यही सब जब झड़ जाता है ना तो कड़ी पत्ते के पेड़ उगने लगते हैं नीचे, बरसात के सीजन में। काफ़ी सारे लेके चलते हैं इसको। भिंडी को धोने के बाद देखिए इसको बड़े टुकड़ों में काटेंगे, इस तरीके से तीन भाग करेंगे। और बाबू देखिए इंतजार कर रहा है सब्जी का। ये भिंडी बगल में शेरू भी आया है हमारे साथ। और शेरू क्या हाल है? हमारा जो मड़ई है ना, इसमें काफी ठंडक रहता है, तो शेरू यहीं आके बैठा हुआ है, इसको बहुत अच्छा लगता है मड़ई के पास बैठना। पपी का तो पंख है, ये कबूतर का। क्या मैं साफ करूं? क्या मैं मैन फोकस करो, साफ करूं कैमरा का? कैमरा मैन फोकस कर। इधर जो हमने लहसुन, हरा मर्चा, प्याज, टमाटर लिया, इसको देखिए बारीक बारीक काट लेते हैं। लहसुन को दो तीन भागों में काट लेंगे,
लहसुन को देखिए हमने बारीक काट लिया, अब काटेंगे प्याज की बारी आई। प्याज को देखिए इस तरीके से हम चार भाग में काट लेंगे, थोड़ा बड़े टुकड़ों में। चूल्हे में देखिए ईंधन को चला दिया, रख दिया हमने कढ़ाई। इधर देखिए भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए सारी तैयारी देखिए यहाँ पे हो गया। टमाटर देखिए बड़े टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है, और प्याज को देखिए इस तरीके से काटा बड़े टुकड़ों में। कड़ी पत्ता ले लिया तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए तीन से चार हरी मिर्च लंबी हमने काट ली है। यहाँ पे देखिए बारीक लहसुन काट लिया इस तरीके से। इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखेंगे ना तो सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और भिंडी को देखिए हमने पानी सुखाकर इस तरीके से बड़े टुकड़ों में देखिए इस तरीके से काट लिया है। और अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। भिंडी की सब्ज़ी जब भी बनाए सरसों के तेल में बनाए काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए सरसों का तेल डाल दे रहे हैं। सरसों का तेल का मात्रा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखे इस सब्ज़ी में, क्योंकि इसमें थोड़ा तेल लगता है भिंडी की सब्ज़ी में। और यहाँ पे देखिए आधा चम्मच के हमने जीरा इसको डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसका कच्चापन जो कि निकल गया है। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे देखिए हींग। जीरा को अच्छे से चटका लेते हैं। अब इसमें डालते हैं हम बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से लाल कर लेंगे। इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता ही डाल लेते हैं। तीसरी चार हमने हरी मिर्च काटा था लंबे, मिर्च को भी डालेंगे। इसी तरीके से लाल कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे जो मोटा मोटा हमने प्याज देखे चार भागों में काटा इसको डाल लेते हैं। प्याज देखे हमने डाल दिया। प्याज के यहाँ पर ज़्यादा जलाना नहीं है, बस नरम होने तक इसको भुनना है। प्याज देखिए नरम होने लगा, इसमें डालें कटा हुआ टमाटर, इसको डाल लेते हैं। टमाटर हमने डाल दिया, इसके साथ हम कुछ मसाले और नमक भी डाल लेते हैं। तो नमक डालेंगे देखिए स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं। बाद टमाटर भूनने के बाद जो मसाले उसको भी थोड़ा भून लिया, उसमें डालेंगे हम भिंडी कटा हुआ, उसको डालते हैं। उसको चलाते हुए भिंडी को भी हम पका लेते हैं। तो भिंडी देखिए डालने के बाद भिंडी देखिए थोड़ा हमारा पकने लगा है और टमाटर भी गलने लगा है। इसी तरीके से देखिए गाँव में हम भिंडी जो प्याजा बनाते हैं तो दाल चावल के खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम खुले में पकाएंगे, ढकेंगे नहीं। अगर ढकेंगे तो भिंडी ज़्यादा ही गल जाता है। खुले में पकाएंगे तो बड़ा ही स्वादिष्ट भिंडी सब्जी बनेगा। तो खुले में देखिए हमने भिंडी को अच्छे से पका लिया है, और टमाटर भी देखिए हमारे गल चुके हैं, और प्याज देखिए काफ़ी नरम हो गया है। और इसको भी देखिए हम कच्चा प्याज देखिए फिर से काटे इस तरीके से कई भागों में इसको डाल दे रहे हैं। इसको डालने के बाद देखिए हमें डाल भून लेते हैं सब्जी को। ऊपर से जो हमने प्याज डाला है ना दूसरे से थोड़ा सा नरम रहता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको देखिए हम चला दे रहे हैं, दोनों सब्जी को और पका लेते हैं। तो जो हमने ऊपर से प्याज काट के डाला था देखिए काफ़ी अच्छे से नरम हो गया। इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी में। और ऊपर डालते हैं गरम मसाला और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद देखिए हमारा भिंडी जो प्याजा बनकर रेडी हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। इसमें टमाटर प्याज दिखते हैं ऊपर से तो बहुत बढ़िया लगता है, काफ़ी चटपटा सब्ज़ी बनता है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दाल चावल बना लिया था पहले ही, और रोटी भी सेक लिया था। और यहाँ पे देखिए हमारा भिंडी जो प्याजा बन गया, इसको निकालते हैं बर्तन में। और ये कितना बढ़िया देखिए लग रहा है दाल चावल और रोटी के साथ। थोड़ा सा भिंडी और निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे भिंडी तो प्याजा तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे देखिए हमने चना दाल बनाया है तोरी के साथ, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।